नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है अमन वोहरा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक या विचार के बारे में। इससे पहले देखिए, मैंने स्वतंत्रता का लेक्चर मैंने आपको दिया था, तो अब आपको दूंगा मैं नकारात्मक स्वतंत्रता, यानी कि इसके पक्ष में कौन है। अगला लेक्चर जो आएगा वो आएगा सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्ष में समर्थक। तो देखिए, आपको मैं सब कुछ एक ही लेक्चर में देख सकता था, लेकिन उसका कारण क्या है, क्योंकि देखिए एक ही लेक्चर अगर मैं आपको देता हूँ वो काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाता, और दूसरी बात क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसलिए मैं आपको ये तीन लेक्चर में दूंगा कि ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। पहले में हमने इसका इंट्रोडक्शन किया, पूरा जाना कि स्वतंत्रता होती क्या है। अब इसमें देखेंगे नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, और साथ में देखेंगे इसके विचारक क्या है। अगले में देखेंगे सकारात्मक क्या है, क्योंकि देखिए नकारात्मक और सकारात्मक जो प्रमुख विचारक है वो आपस में मिक्स ना हो जाए, इसलिए आपको मैं वीडियो तीन पार्ट में दूंगा। सो देखिए, नकारात्मक स्वतंत्रता, आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि स्वतंत्रता होती क्या है ना, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। अब देखिए, हमारे पास स्वतंत्रता दो तरह की होती है, नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक का मतलब होता है कि व्यक्ति को पूरी आज़ादी, पूरी स्वतंत्रता कि जो मर्जी करे, चाहे वो मर्डर करे, चाहे वो किसी को जो मर्जी करे, है ना, उसके मन में जो है वो मर्जी कर सकता है, लेकिन उसको रोकने वाला कोई ना हो अपनी मर्जी से। आप देखिए, चाहे वह चोरी करे, मर्डर करे, डकैती करे, चाहे अच्छे काम करे, उसके ऊपर डिपेंड है, निर्भर है। तो उसको बिल्कुल खुला छोड़ देना, चाहे वो सड़क पे गाड़ी जैसे मर्जी चलाए, चाहे किसी का एक्सीडेंट कर दे, तो इसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होना, वो पूरी तरह से अपनी मर्जी के लिए आज़ाद है, वो है नकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक क्या है, लगे हाथ वो भी आप समझ लीजिए। सकारात्मक इसके उलट है कि हमें उतनी ही स्वतंत्रता मिलती है जिससे कि दूसरों को हानि ना पहुंचे। सो इसमें हम नकारात्मक करेंगे कि व्यक्ति पूरी तरह से आज़ाद है, तो उसके प्रमुख विचारक देखिए। तो देखिए, यहाँ पे नकारात्मक स्वतंत्रता का आरंभिक सत्यापन लॉक के लेखन में देखा जाता है, तथा क्लॉक को ही लॉक आएगा यहाँ पे, लॉक, ठीक है, लॉक को ही उदारवाद का जनक कहा जाता है। लॉक ने व्यक्ति क्रम से उत्पन्न संपत्ति को स्वतंत्रता का मानक माना है, तथा इन आधारों पर उन्होंने एक सीमित राज्य की अवधारणा का समर्थन किया है। आरंभिक प्रमुख उदारवादी विचारक जैसे होब्स, मॉन्टेस्क्यू, बेंथम, सिजीविक, मिल, स्पेंसर, एडम स्मिथ, तथा समकालीन नव उदारवादी विचारक जैसे हेक, बर्लिन, फ्रीडमैन, हेराल्ड, लास्की, नोजिक आदि। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सिंपल सा यहाँ पे क्या मतलब है कि जो लॉक है, सबसे पहले देखिए कि अगर हमें नकारात्मक स्वतंत्रता मिलती है, सबसे पहले हमें कहाँ पे मिली थी, लॉक का जो लेख था उसमें मिली थी, यानी कि लॉक ने सबसे पहले नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में बताया। उसने क्रम वाइज बताया कि जो संपत्ति है, यानी कि जो व्यक्ति की जो देखिए जो संपत्ति है ना, तो उसे स्वतंत्रता का उसने मानक माना। तो यहाँ पे क्या है कि उसने ये माना कि जो सीमित राज्य, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है कि सीमित राज्य हो, उसकी अवधारणा का वर्णन, यहाँ पे इसने ये कहा है कि जो राज्य है वो सीमित हो, वो ज़्यादा दखलंदाजी ना करे, इंसान जो है, जो मनुष्य जो है, वो अपनी मर्जी में जो आए वो सब कुछ कर सकता है, उसके पास स्वतंत्रता है, उसे खुला छोड़ देना चाहिए, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसी की बात का, इनकी जो लॉक ने बात कही थी, इसी की बात का समर्थन इन सभी ने किया, चाहे वो होब्स हो, मॉन्टेस्क्यू, ये सारे इन्होंने उसका समर्थन किया। तो आइए एक बार जान लेते हैं इनके बारे में। तो देखिए सबसे पहले जेएस मिल के विचार, ठीक है, सबसे पहले हम मिल करेंगे जेएस मिल के विचार। तो देखिए जेएस मिल की ये पिक्चर है, ये तो इनका पूरा नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल। अब देखिए जॉन स्टुअर्ट मिल यानी कि व्यक्तिवादी विद्वान थे ये। उसका मानना था कि एक व्यक्ति हमेशा सुख चाहता है और सुख की प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयास करता है। अब देखिए यहाँ पे मिल का कहना है कि एक व्यक्ति क्या चाहता है, अपनी ज़िंदगी में सुख चाहता है हमेशा, और वह सुख की प्राप्ति के लिए ही सब कुछ करता है। वह इस बात पर विश्वास रखता था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के द्वारा ही सामाजिक और राजनीतिक प्रगति हो सकती है। सामाजिक और राजनीतिक विकास के लिए व्यक्ति का स्वतंत्र होना अति आवश्यक है। देखिए यहाँ पे ये कहते हैं कि हमें क्या चाहिए, सुख चाहिए, इंसान सुख के लिए हमेशा प्रयास करता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो
व्यक्तिगत स्वतंत्रता अगर हमें मिलेगी, यानी कि किसी व्यक्ति को अगर सुख चाहिए उसके लिए उसे क्या चाहिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के द्वारा ही वो क्या करेगा, सामाजिक और राजनीतिक प्रगति कर सकता है, यानी कि वो समाज में अच्छे ढंग से रह सकता है और राजनीतिक प्रगति यानी कि वो राजनीति में भी आगे बढ़ सकता है। तो सामाजिक और राजनीतिक विकास के लिए क्या है, स्वतंत्र होना आवश्यक है। यहाँ पे सिंपल सा ये बात कहा गया है कि हमें सुख चाहिए, सुख के लिए हमें क्या चाहिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहिए जिसपे कोई भी जो प्रतिबंध ना हो, तो इससे क्या है हम सामाजिक और राजनीतिक विकास कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें समाज में रहना है, हमें राजनीतिक विकास भी करना है, तो हमें क्या है व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी ज़रूरी है। लेकिन मिल का यह विचार भी नहीं था कि व्यक्ति को पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। हर कार्य के लिए मिल का स्वतंत्रता से आशय स्वेच्छाचार या स्वच्छंदता से नहीं था, क्योंकि स्वेच्छाचार और स्वच्छंदता नकारात्मक स्वतंत्रता को प्रकट करता है। मिल ने स्वतंत्रता की परिभाषा व्यक्ति के कार्य के अनुसार दी है। उन्होंने व्यक्ति के दो प्रकार के कार्य बताए और व्यक्ति के कार्यों के अनुसार ही स्वतंत्रता की सकारात्मक परिभाषा दी। यहाँ पे देखिए क्या है कि मिल जो है उन्होंने यहाँ पे समर्थन किया कि व्यक्ति के ऊपर क्या है प्रतिबंध ना हो, उनको क्या है चाहिए कि सामाजिक और आर्थिक विकास करना चाहिए, तो इसलिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी जरूरी है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये नहीं कहा कि पूरी तरह से प्रतिबंध ना हो, यहाँ पे ये नहीं बोला कि व्यक्ति को पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ा जाए, क्योंकि देखिए इससे क्या होगा, अगर व्यक्ति को पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ा जाएगा तो उन्हें नकारात्मक स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलेगा। इसी के साथ ये इसका मिल समर्थन नहीं करते, ये कहते स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है कि पूरी तरह से वो नहीं होनी चाहिए स्वतंत्रता, ठीक है, क्योंकि देखिए नकारात्मक स्वतंत्रता आ जाएगी, है ना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो इन्होंने ये कहा यहाँ पे जो व्यक्ति जो स्वतंत्रता है वो कैसी होनी चाहिए, वो जो व्यक्ति काम करते हैं उसके अनुसार दी जानी चाहिए, व्यक्ति कैसे काम करते हैं उस हिसाब से उनकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो देखें यहाँ पे मिल ने जो दो प्रकार बताए हैं तो वो कौन से हैं, वह कार्य जिनका प्रभाव केवल करने वाले अर्थात कर्ता तक सीमित हो, यानि कि वो कार्य जो केवल कर्ता तक सीमित हो, यानि कि एक व्यक्ति जो कार्य करता है वो उस तक सीमित हो। दूसरा, वह कार्य जिनका प्रभाव करने वाले अर्थात कर्ता के साथ साथ समाज के अन्य लोगों पर भी पड़ता हो। पहला उन्होंने क्या बताया कि वो काम जो केवल एक व्यक्ति करता है, दूसरा अगर एक व्यक्ति को जो काम करता है और उसका प्रभाव अन्य व्यक्तियों पर या समाज के अन्य लोगों पर पड़ता है, ठीक है, तो वो दूसरा कार्य है। जैसे मान लीजिए कि कोई चोरी करता है ना, तो वो अपने लिए चोरी करता है लेकिन उससे क्या है समाज को फ़र्क पड़ता है, क्योंकि लोगों के पास लोगों की चोरियाँ हो जाएंगी तो उनका फ़र्क पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है वो अपने लिए अच्छा करेगा तो सही है, लेकिन दूसरों के लिए अच्छा करेगा तो उससे क्या है दूसरों को फ़ायदा मिलेगा अच्छा काम करने से। अगर अपने लिए वो काम करता है चाहे वो बुरा है लेकिन दूसरों के लिए करेगा वो भी बुरा ही माना जाएगा, है ना। यानी कि अगर व्यक्ति काम करता है अपने लिए वो, और अगर कोई व्यक्ति काम करता है जिससे दूसरे लोग इफेक्टेड होते हैं, प्रभावित होते हैं समाज के अन्य लोग, तो वो दूसरा कार्य है। तो मिल ने ये दो कार्य बताए हैं। तो इसमें देखिए मिल ने कहा है कि जिन कार्यों की प्रभावी कर्ता के अलावा समाज के अन्य लोगों पर भी पड़ता है तो उन कार्यों के संबंध में व्यक्ति को कभी भी पूर्ण स्वतंत्रता नहीं चाहिए। यहाँ पे देखिए मिल ने क्या कहा है, मिल ने ये कहा है कि अगर व्यक्ति कोई काम करे, अगर उसके द्वारा किए गए काम से समाज के लोगों पर असर पड़े, है ना, तो उसको क्या होना चाहिए, उसको पूर्ण स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए वो बाकी को बिगाड़ देगा। जैसे क्या है, देखिए जैसे अश्लील हरकतें करना, शराब पीकर अनाप शनाप बोलना, चोरी करना। आप देखिए कोई व्यक्ति अश्लील हरकतें करेगा समाज क्या है प्रभावित होगा, शराब पीकर गाड़ी चलाएगा, है ना, किसी का एक्सीडेंट कर देगा, जो समाज है वो उसको उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, चोरी करेगा तो भी समाज के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, है ना। ये सारी चीज़ें क्या है, इसके ऊपर पूर्ण स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। अगर व्यक्ति चोरी करता है तो उसको क्या है उसे रोकना चाहिए, है ना, उसके लिए। जैसे आप देखें अगर चोरी कोई करे, शराब की गाड़ी चलाए तो हो जाता है ना, फाइन हो जाता है, सजा हो जाती है ना, ऐसे करके, तो उसको पूर्ण स्वतंत्रता यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। एक तरह से ये माने कि नकारात्मक स्वतंत्रता को मिल बढ़ावा यहाँ पे नहीं दे रहे हैं।
इन कार्यों का समाज के अन्य लोगों पर भी बुरा असर पड़ता है, इसलिए इन कार्यों पर आवश्यक रूप से रोक लगाना चाहिए। वो कहते हैं कि देखिए ये काम करेंगे तो समाज प्रभावित होगा, बुरा असर पड़ेगा, इसलिए इस पर रोक लगानी चाहिए। वह दूसरे कार्य जिनका प्रभाव केवल करने वाले इनकी कर्ता पर पड़ता है, उस विषय में मनुष्य को पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। यानी कि एक व्यक्ति क्या खाता पीता है, अब देखिए एक व्यक्ति अपने लिए क्या काम करता है उसका प्रभाव सिर्फ उसी पे पड़ेगा। चाहे देखिए व्यक्ति क्या खाता पीता है, चाहे वो अपने लिए अच्छा खाए, बुरा खाए, जैसे मर्जी खाए, वो उसकी मर्जी है। तो इसके लिए उसे पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी कि व्यक्ति अपने लिए क्या अच्छा करेगा, क्या बुरा करेगा, उसके लिए उसे पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन वो काम जिससे समाज प्रभावित हो, समाज को नुकसान हो, उसके लिए उसे पूर्ण स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए, है ना, वो चीज़। तो मिल इसका समर्थन करते हैं, आप इसे ध्यान में रखिएगा, क्योंकि देखिए एग्जाम से इन्हीं में से क्वेश्चन बनता है। वह क्या पढ़ता है, कैसे कपड़े पहनता है, कौन सी भाषा बोलता है, कौन से धर्म को मानता है, कहाँ रहता है, कौन सा व्यापार करता है, ये सारी चीज़ें व्यक्ति की निजी बातें हैं। इसलिए व्यक्ति इन कार्यों के लिए स्वतंत्र है और इन कार्यों पर राज्य के द्वारा भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। इनकी देखिए जो एक तरह से पर्सनल काम है उसका, है ना, पर्सनल काम। अब देखिए जो राइट टू प्राइवेसी भी आजकल जो हमारे कानून में जोड़ी गई है, है ना, आर्टिकल जो 21 है, अनुच्छेद 21 क्या है, राइट टू प्राइवेसी से जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे मिल ने पहले ही साफ कर दिया था, जेएस मिल ने, जॉन स्टुअर्ट मिल ने, कि व्यक्ति जो भी करता है अपने लिए, चाहे वो कहीं पे रहता है, कौन सी भाषा बोलता है, कुछ भी करता है, कौन सा धर्म अपनाता है, उसके लिए उसे पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो यहाँ पे मिल का हो गया। अब आ जाती है यहाँ पे देखिए स्वतंत्रता पर रॉबर्ट नोजिक के विचार, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है रॉबर्ट नोजिक, तो देखिए नोजिक ने नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन अराजकतावादी तर्कों पर दिया। किस पे दिया, अराजकतावादी तर्क। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो नोजिक का जो नकारात्मक स्वतंत्रता है वो किस पर आधारित है, वो अराजकतावादी तर्कों पर आधारित है। नोजिक ने अपनी पुस्तक, अब देखिए जहाँ पे किसी व्यक्ति की पुस्तक का नाम आए, उसकी परिभाषा आए या कुछ अलग से लाइन आए, आपको वो डेफिनेट याद करनी है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। बुक्स के नाम आपके टिप्स में होने चाहिए, तो मैंने कोशिश की है कि मैंने उस सारी बुक्स के नाम रखे हुए हैं कि ताकि आप उसे आसानी से कर पाएँ। तो देखिए नोजिक ने अपनी पुस्तक, चर्चित पुस्तक एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया 1974, अब देखिए एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया ये 1974 में पुस्तक आई थी रॉबर्ट नोजिक की, में प्राधिकारों को स्वतंत्रता का अधिकार माना है, तथा इसी आधार पर उन्होंने न्यूनतम राज्य व मुक्त व्यापार का समर्थन किया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि न्यूनतम राज्य मुक्त व्यापार, यानी कि राज्य क्या है, जो स्टेट है उसका दखलंदाजी कम हो और मुक्त व्यापार हो, यानी कि ओपन कंपटीशन हो, मुक्त व्यापार हो, इसके ऊपर कोई भी रोक नहीं लगाई जाए किसी भी व्यापार पर। नोजिक नए संविदावादियों की परंपरा में भी प्राकृतिक अधिकारों को अधेय माना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे संविदावादियों की परंपरा में प्राकृतिक अधिकार क्या है कि वो सारे अधिकार जो राज्य बनने से पहले थे, यानी कि जब हम प्रकृति में रहते थे हमें सारे अधिकार प्राप्त थे, वो वाले अधिकार जहाँ पे कोई रोक टोक नहीं थी, एक तरह से जो रॉबर्ट नोजिक है वो पूरी तरह से समर्थन करते हैं कि व्यक्ति के ऊपर कुछ भी कहीं भी किसी भी तरह का प्रतिबंध हो। नोजिक के अनुसार प्राकृतिक दशा में अपनी संपत्ति के संरक्षण के लिए व्यक्तियों ने संरक्षण कार्य एजेंसियों की नियुक्ति की होगी। नोजिक का यहाँ पे मानना है कि मान लीजिए कि पहले कोई राज्य नहीं था, व्यक्ति कहाँ रहता था, प्राकृतिक अवस्था में, प्राकृतिक दशा में, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं था कि चोरी हो जाती थी, अपने संपत्ति के संरक्षण के लिए क्या था, व्यक्ति ने संरक्षणकारी एजेंसियाँ बनाई होंगी जो कि उसकी संपत्ति का ख्याल रखती होगी। यहाँ पे लिखा है होगी, वो पक्का श्योर नहीं है, है ना, तो अपनी तरफ से एक बात कह रहे हैं। उनका ये मानना है कि राज्य ना भी हो, व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में रहे, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध ना रहे, क्योंकि देखिए जैसे पहले प्राकृतिक अवस्था में रहते थे वहाँ पे भी काम चल जाता था, तो इसी तरह अब भी काम चल जाएगा। कालांतर में सबसे समृद्ध
संरक्षणकारी एजेंसियों को राज्य का दर्जा मिला होगा, क्योंकि राज्य का कार्य संपत्ति का संरक्षण है, इसलिए उसका वितरण नहीं कर सकती। यहाँ पे देखिए क्या है, वो कहते हैं कि पहले क्या था, संरक्षणकारी एजेंसी बनाई होगी, लेकिन कल अंतर जो मध्य का जो समय आया उसमें क्या है कि सबसे समृद्ध जो संरक्षणकारी एजेंसी है, यानी कि प्राकृतिक अवस्था में जब व्यक्ति रहता था उसको वो क्या करता था, संपत्ति के संरक्षण के लिए सुरक्षा एजेंसी नियुक्त की होगी। अब उसमें सबसे बड़ी जो संयुक्त जो संरक्षण कार्य एजेंसी होगी, सबसे बड़ी, उसी को राज्य का दर्जा मिला होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी बनाई है, 10 कंपनियां, उसमें एक पावरफुल कंपनी है, उसी को क्या मिला होगा, उसी को राज्य का दर्जा मिला होगा। ये कहना है रॉबर्ट नोजिक का, क्योंकि देखिए राज्य का कार्य क्या है, संपत्ति का संरक्षण है, ना कि संपत्ति का वितरण है। संपत्ति का वितरण मतलब जैसे हम टैक्स भरते हैं, जैसे हम जो भी कुछ देते हैं, राज्य क्या है, अपनी मर्जी से कहीं पे भी उसे बांट सकता है, अपनी मर्जी से उसे खर्च कर सकता है। लेकिन यहाँ पे रॉबर्ट नोजिक कहते हैं कि जो व्यक्ति ने कमाया है वो उसका है, राज्य उसकी सुरक्षा करेगा, ना कि उसे खर्च करेगा, ना कि उसे वितरण कर सकता है। ये मानना है रॉबर्ट नोजिक का। नोजिक के अनुसार राज्य की आवश्यकता वैधानिक आधारों पर वस्तु की प्राप्ति की दशा बनाए रखने के लिए है। विल्ड चैम्बरलेन के उदाहरण से यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि यदि किसी में देखें यहाँ पे क्या है, नोजिक के अनुसार यहाँ पे क्या है कि जो राज्य की आवश्यकता है वो कैसी है, वो है वैधानिक आधारों पर वस्तु की प्राप्ति। यानी कि अगर किसी को, कोई व्यक्ति को कोई वस्तु प्राप्त करनी है ना, तो उसके लिए क्या है, राज्य की आवश्यकता है। राज्य की आवश्यकता क्या है कि जो वैधानिक आधार है, जिसके जो कानूनी आधार है, उस पर क्या है, किसी वस्तु की जो प्राप्ति करना है ना, ये काम क्या है, ये काम किसका है, राज्य का। यानी कि राज्य की आवश्यकता सिर्फ इतनी है और कुछ नहीं। विल्ट चैम्बरलेन के उदाहरण से यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि यदि किसी में क्षमता है तो उस क्षेत्र में उसका एकाधिकार उचित हो। यहाँ पे देखिए विल्ट चैम्बरलेन क्या कहते हैं यहाँ पे कि यदि किसी में क्षमता है, अगर किसी में कोई क्षमता है तो क्षेत्र में उसे एकाधिकार उचित है। यानी कि देखिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है ना, कोई व्यक्ति है, यदि वहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपको फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, यहाँ पे क्या कहने की कोशिश की गई है कि यदि किसी में क्षमता, किसी में कैपेबिलिटी है कोई काम करने के लिए, है ना, तो उसे क्या है, वहाँ पे एकाधिकार मिले। जैसे कोई कंपनी है, कोई विशेष कार्य करती है, कोई विशेष प्रोडक्ट बनाती है वहाँ पे, तो उसमें कैपेबिलिटी है, उसमें क्षमता है ना, तो यहाँ पे क्या है कि वो कह सकते हैं कि यहाँ पे उस क्षेत्र में उसे एकाधिकार मिल जाए, वो सारा क्षेत्र उसी के अंडर आए। अब ऐसा तो है नहीं है देखिए कि जैसे कोई पढ़ाने वाला टीचर अच्छा है तो ऐसा तो है नहीं है कि वो ही पढ़ा सकता है और कोई पढ़ा ही नहीं सकता, है ना, तो एकाधिकार ऐसे कैसे हो जाएगा। नोजिक ने अराजकतावादियों के समान ही राज्य के व्यक्तिगत आधारों को असामान्य माना है। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो नोजिक है, जो अराजकतावादी है, उसी को समर्थन करते हुए नोजिक ने क्या माना है कि जो राज्य के व्यक्तिगत अधिकारों को असमान्य, यानी कि ये यहाँ पे कहते हैं कि जो राज्य है उसका जो व्यक्तिगत अधिकार है वो असमान्य है, बिल्कुल असमान्य नहीं है, परंतु उन्होंने पारंपरिक अराजकतावादियों से राज्य को एक संरक्षणात्मक संस्था के रूप में देखा है। रॉबर्ट नोजिक देखिए यहाँ पे समर्थन करते हैं किसका, अराजकतावादियों का। अराजकतावादियों का क्या कहना था कि राज्य व्यक्तिगत अधिकारों को असमान्य मानते हैं, ठीक है, वो व्यक्तिगत अधिकारों को क्या है, वो सामान्य नहीं मानते, असामान्य मानते हैं, लेकिन इसका समर्थन करते हैं नोजिक। साथ में नोजिक ये भी कहते हैं कि राज्य का काम क्या है, संरक्षण करना, व्यक्ति के संपत्ति का संरक्षण करना, है ना, तो ये चीज़ है। ये कहते हैं कि राज्य का काम है सिर्फ संरक्षण करना, वितरण करना नहीं है। उनकी राय थी कि उत्पादन के स्तर पर विषमताओं को वितरण के स्तर पर ठीक नहीं किया जा सकता। देखें यहाँ पे क्या था, उत्पादन के स्तर पर विषमताओं को वितरण के स्तर पर, यानी कि देखिए जो भी चीज़ है, यानी कि कोई उत्पादक है कोई चीज़ को बनाता है, तो वह क्या है कि विषमताओं का वितरण है, अगर वहाँ पे कुछ विषमता है, कुछ अलग चीज़ है, तो वहाँ पे क्या है, उस चीज़ को ठीक नहीं किया जा सकता। ये कहना है रॉबर्ट नोजिक का। तो देखिए अब आ जाती है स्वतंत्रता पर आइजिया बर्लिन के विचार, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, बर्लिन ने अपनी चर्चित पुस्तक टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, देखिए इससे पहले हमने मिल किया है और साथ में हमने
नॉर्वे किया है, अब हम कर रहे हैं बर्लिन का। तो देखिए बर्लिन की जो पुस्तक है वो है टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, 1958 में आई थी, यानी कि स्वतंत्रता की दो संकल्पनाएं के अंतर्गत यह तर्क है कि राज्य केवल व्यक्ति की नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है, सकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य के कार्यक्षेत्र में नहीं आता। इनका काम क्या है, देखिए मैंने जैसा आपको बताया कि लिबर्टी या स्वतंत्रता दो प्रकार की होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। यहाँ पे रॉबर्ट नॉजिक कहते हैं कि अगर व्यक्ति गलत है, अगर व्यक्ति के पास नकारात्मक स्वतंत्रता है तो राज्य केवल उसकी ही सुरक्षा करेगा, है ना, उसी की सुरक्षा करेगा, लेकिन सकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा उसके क्षेत्र में नहीं आता। बर्लिन के अनुसार आप देखिए नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार अपने कार्यों का चयन करने से ना रोका जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं ये बर्लिन क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग क्या है नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है कि व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार जो अपनी मर्जी है उसके अनुसार क्या है कार्यों का वह चरण कर वो कार्य का वह चयन कर सकता है। ये मानते हैं कि जो सकारात्मक स्वतंत्रता है वो राज्य के अंदर नहीं आती, अगर नकारात्मक स्वतंत्रता आती है तो राज्य उसी को ठीक करने के लिए उसी की रक्षा करने के लिए बनाया गया है। इनके अकॉर्डिंग क्या है व्यक्ति के जो मन में आए वो काम वो अपना सकता है। सकारात्मक स्वतंत्रता यह मांग करती है कि व्यक्ति को अपने ऊपर पूरा नियंत्रण होना चाहिए, कोई व्यक्ति कहाँ तक सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए बर्लिन कहते हैं कि एक व्यक्ति है उसको छूट दे दी जाए कि वह कोई भी काम अपनाए, है ना, उसके इनका मानना है कि सकारात्मक स्वतंत्रता यह मांग करती है कि व्यक्ति को पूरा नियंत्रण होना चाहिए। अब व्यक्ति देखिए कहाँ तक सकारात्मक हो सकता है, ठीक है, कहाँ तक उसका उपयोग कर सकता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, ये कहना है बर्लिन का। यह उसके अपने चरित्र, अपनी क्षमताओं या अपने साधनों पर निर्भर करता है। ये कहते हैं कि व्यक्ति के पास दिमाग है वो नकारात्मक सकारात्मक में अंतर जानता है, व्यक्ति को खुला छोड़ दिया जाए वो कोई भी काम कर सकता है, लेकिन सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है कि व्यक्ति को पूरा नियंत्रण बताती है कि पूरा नियंत्रण हो, पूरा अपने पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए व्यक्ति के ऊपर, है ना। अगर कोई व्यक्ति को गलत काम करता है सही काम करता है तो वो कहाँ तक कर सकता है, इनका ये मानना है। इनका ये मानना है कि राज्य सिर्फ बनाया गया है किसके लिए, नकारात्मक स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए। जो सकारात्मक स्वतंत्रता है वो किसके अंडर आ जाएगा, वो केवल व्यक्तियों के अंडर आएगा, व्यक्ति खुद अपनी समझ से जान पाएगा कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, मुझे कहाँ तक नियंत्रण करना है। अब देखिए आज का ज़माना ऐसा है क्या, आप देखिए इतना कानून बना हुआ है, है ना, इतने टफ कानून बने हुए हैं, सख्त कानून है, फिर भी इतने क्राइम होते हैं। अगर कोई व्यक्ति सोच ले कि हाँ मुझे पूरा नियंत्रण पता है मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ तो ऐसे तो बात बनेगी नहीं। यह उसके अपने चरित्र, अपनी क्षमताओं, वो कहते हैं कि व्यक्ति कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, उसकी क्षमता कैसी है, वो उसके अकॉर्डिंग सोच सकता है कि मैं कहाँ तक सकारात्मक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता हूँ। तो देखिए ये बात तो यहाँ पे इनकी कुछ खास है नहीं है इतनी, ये कहते हैं कि नकारात्मक स्वतंत्रता को ये समर्थन करते हैं और साथ में कहते हैं कि राज्य को केवल नकारात्मक देखना चाहिए, सकारात्मक व्यक्ति पर छोड़ देना चाहिए, राज्य इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। राज्य केवल यह कर सकता है कि जहाँ तक हो सके वह व्यक्ति की स्वयं निर्धारित गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध ना लगाए। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि राज्य का कोई भी हस्तक्षेप ये नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि जहाँ तक हो सके व्यक्ति अपने लिए क्या काम करेगा, अपने लिए कौन सी गतिविधियाँ निर्धारित करेगा उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए। तथ्य प्रस्तुत अर्थ में राजनीतिक स्वतंत्रता के नकारात्मक स्वतंत्रता है। और देखें यहाँ पे क्या है कि ये कहते हैं कि राज्य को कुछ भी नहीं करना चाहिए, ये राज्य पर छोड़ देना चाहिए, राज्य सिर्फ यही कर सकता है कि व्यक्ति ये देखे कि वो अपने लिए कौन सी गतिविधि लेके आएगा, कौन सा कार्य करेगा जिसके ऊपर कोई प्रतिबंध ना हो। ये कहते हैं कि व्यक्ति को कुछ भी करने दिया जाए, राज्य उसके बीच में कुछ भी ना करें, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध ना लगाए। ये पूरी तरह से समर्थन करते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता का। यह ऐसी अवस्था की मांग करती है जिसमें किसी व्यक्ति को अपने की पूर्ति के दौरान अन्य व्यक्ति की ओर से बिना किसी बाधा का सामना करना पड़े। ये कहते हैं कि अगर व्यक्ति को कोई काम करना है उसके बीच में किसी को बाधा नहीं बनना चाहिए, उसके बीच में किसी व्यक्ति को नहीं आना चाहिए ताकि किसी को कुछ भी
हो ऐसे ही मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कुछ काम करना चाहता है, ये कहते हैं कि उसको वो काम करने दिया जाए, कोई इसमें किसी प्रकार की बाधा ना बने। इसमें यह मानने की कोई गुंजाइश नहीं है कि निर्बल, निर्धन, बेबस व्यक्ति दूसरों की निर्दयता, लिप्सा और धूर्तता का शिकार हो जाता है। अब देखें यहाँ पे ये कहते हैं कि चाहे व्यक्ति निर्बल हो, निर्धन हो, जो भी हो, तो वो क्या है, दूसरों का शिकार हो जाता है। वो कहते हैं कि अगर व्यक्ति जो काम करना चाहते हैं वो काम करे, अगर कोई टांग अड़ाएगा, कोई काम उसे नहीं करने देगा, तो उसे क्या होगा, उसको नुकसान होगा। इनका ये कहना है बर्लिन स्वतंत्रता की ऐसी परिभाषा देकर पूंजीवाद, पूंजीवादी व्यवस्था को ही तर्क संगत ठहराने का प्रयास करते हैं। देखिए बिल्कुल सही है, बर्लिन यहाँ पे स्वतंत्रता की परिभाषा में सिर्फ यही कहते हैं कि राज्य का कोई काम ना हो, किसी व्यक्ति का कोई काम ना हो, सिर्फ एक व्यक्ति जो करना चाहता है उसको वो करने दिया जाए, कोई इस पे हस्तक्षेप ना करे, उसकी मर्जी में आए व्यक्ति जो मर्जी करे। तो यहाँ पे सीधे तौर पर ये पूंजीवादी व्यवस्था को ही सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही सही है। देखिए चाहे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवाद मजदूरों का शोषण करे, ये तो उनका समर्थन कर रहे हैं साफ 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 ही, है ना, कि वो जितना मर्जी पैसा दे वो उनकी मर्जी है। और देखिए एक तरफ पूंजीवादी अट जाएंगे, मैं इतना पैसा दूंगा, दूसरे मजदूर अट जाएंगे, मैं इतना ही पैसा लूंगा, तो बात तो बनेगी नहीं, है ना। दोनों के पास क्या होगी, स्वतंत्रता होगी, दोनों ही नकारात्मक स्वतंत्रता को अपनाएंगे। बर्लिन के अनुसार यदि कोई व्यक्ति गरुड़ पक्षी की तरह पंख फैलाकर आकाश में उड़ नहीं सकता या बहेल मछली की तरह समुद्र में नहीं तैर सकता, तो उसकी अपनी कमी है। ऐसी हालत में हम यह शिकायत नहीं कर सकते कि उसे राजनीतिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा रहा है। अब ये कहते हैं कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, ठीक है, गरुड़ की तरह पंख फैलाकर या मछली व्हेल मछली की तरह समुद्र में, यहाँ पे सिंपल कहना है कि कोई व्यक्ति अमीर है, कोई व्यक्ति गरीब है, तो इसमें कुछ किया नहीं जा सकता, ये उसकी अपनी कमी है। तो ऐसी हालत में क्या है कि हम ये नहीं कह सकते कि उसे राजनीतिक स्वतंत्रता ना मिले। ये कहते हैं कि चाहे व्यक्ति अमीर हो, गरीब हो, जैसा मर्जी हो, तो उसको राजनीतिक स्वतंत्रता जो है वो मिलनी चाहिए। इस तरह यदि कोई व्यक्ति किसी मनचाही चीज का खर्च उठाने में समर्थ नहीं है, जैसा कि उत्तम भोजन, विश्व भ्रमण या न्यायालय की शरण में जाने का, परंतु इन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा है, तो उसे यह कहने का हक नहीं है कि उसे राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। अब देखिए कई व्यक्ति कहीं जा नहीं सकता, अच्छा खाना खा नहीं सकता, विश्व भ्रमण नहीं कर सकता, न्यायालय की शरण में नहीं जा सकता, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये कहते कि वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन इस पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। अगर वो ये करने में असमर्थ हो, वो बाहर घूमने ना जा सके, तो ऐसा नहीं है कि उसे राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, उसे सब कुछ प्राप्त है। ये व्यक्ति के खुद के ऊपर डिपेंड करता है, अपनी आकांक्षाओं अपनी आकांक्षाएं पूरी कर पाने की क्षमता व्यक्ति का अपना मामला है, राज्य का इसमें कोई सरोकार नहीं है। ये कहते कि व्यक्ति क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता, ये व्यक्ति को खुद देखना चाहिए, राज्य का इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। पर हेग के विचार, इनकी फ्रेडरिक ऑगस्ट हेग क्या कहते हैं यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे कहते हैं फ्रेडरिक हेग ने अपनी महत्वपूर्ण कृति द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी 1960 के अंतर्गत यह लिखा है कि मनुष्य को स्वतंत्रता तब प्राप्त होती है जब वह किसी दूसरे की निरंकुश इच्छा के द्वारा विवश या बाध्य ना हो। ये कहते हैं कि स्वतंत्रता क्या है, अब देखिए फ्रेडरिक हेग कहते हैं कि स्वतंत्रता क्या है, ये वो चीज़ है जब किसी व्यक्ति पर या कोई व्यक्ति किसी निरंकुश इच्छा के द्वारा विवश ना हो। यानी कि देखिए अगर कोई किसी के दबाव में आके काम करता है तो हम उसे स्वतंत्रता नहीं कह सकते, है ना। अगर किसी के ऊपर कोई प्रेशर हो, कोई विवश कर दे, उसे काम करने के लिए बाध्य कर दे, है ना, तो हम उसे स्वतंत्रता नहीं कह सकते। ये कहना है फ्रेडरिक हेग का, इन्होंने किसमें क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी 1960 में, 1960 में बुक आई थी इनकी। इसे स्वतंत्रता की तीन अन्य धारणाओं से पृथक करने का सुझाव दिया है। देखिए पहला है राजनीतिक स्वतंत्रता, जो यह मांग करती है कि व्यक्ति अपनी सरकार के चयन, विधि निर्माण की प्रक्रिया और प्रशासन के नियंत्रण में हिस्सा ले सके। देखिए बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे कहते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता में व्यक्ति को हक है कि वो अपनी सरकार का, जो सरकार का चयन करना है, जो विधि निर्माण की प्रक्रिया है,
जो प्रशासन का नियंत्रण है उसमें खुद हिस्सा ले सके, कैसे कानून बनाने जाने चाहिए, कैसे सरकार चुनी जानी चाहिए, तो इसमें व्यक्ति को खुद से हिस्सा लेना चाहिए। अगर देखिए गलत कानून बनाएगी तो उसे हटाना चाहिए, सही कानून बनाएगी तो उसे लागू करना चाहिए सरकार को। तो ये मानना है राजनीतिक स्वतंत्रता के मामले में है का। आंतरिक स्वतंत्रता जो यह मांग करती है कि व्यक्ति अपने कार्यों को चयन करते समय अपनी सुविचार इच्छा सही मार्गदर्शन प्राप्त करे, क्षणिक आवेग या परिस्थिति के बस में ना हो जाए। अब देखें यहाँ पे क्या है कि आंतरिक स्वतंत्रता क्या है कि व्यक्ति जब भी अपने कार्य को चुनेगा, उसका चयन करेगा, तो उसे सही मार्गदर्शन प्राप्त होना चाहिए कि व्यक्ति को क्या चुनना है क्या नहीं चुनना, ये व्यक्ति को खुद को पता होना चाहिए, है ना। अगर उसे कुछ लालच मिलता है, कुछ कुछ भी ऐसी परिस्थिति आए तो उसमें उसे नहीं आना चाहिए, जो उसे काम करना है उसे करना ही चाहिए। शक्ति रूपी स्वतंत्रता, अब देखें यहाँ पे क्या है कि जो यह मांग करती है कि व्यक्ति अपनी अभिलाषा पूरी कर सके और अनेक विकल्पों में से अपनी पसंद का रास्ता चुन सके। अब देखें यहाँ पे क्या है कि शक्ति रूपी स्वतंत्रता क्या है, यह मांग करता है कि व्यक्ति अपनी अभिलाषा इनकी जो उसका मन हो वो काम करे, उस काम के लिए उसके पास क्या है कई विकल्प होने चाहिए। अगर मान लीजिए कि उसने कोई कार्य करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि उसे वो काम करने के लिए अपनी पसंद का रास्ता चुनना चाहिए, उसके लिए काफ़ी विकल्प होने चाहिए उसके पास, है ना। ये कहना है स्वतंत्रता पर फ्रेडरिक हेयर का। देखिए राजनीतिक, आंतरिक और शक्ति रूपी स्वतंत्रता इन्होंने बताई है। अब देखिए यहाँ पे हेयर का कहना क्या है, फ्रेडरिक हेयर का कहना है कि स्वतंत्रता की सही परिभाषा देने के लिए इसके मूल अर्थ अर्थात प्रतिबंध के अभाव को सुरक्षित रखना ही उपयुक्त है। हाँ, यहाँ पे ये कहते हैं कि जो स्वतंत्रता है उस पर कोई प्रतिबंध ना हो। तो देखिए यहाँ पे परिभाषा क्या है, यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर हमें स्वतंत्रता को जानना है तो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। देखिए इसके प्रयोग क्षेत्र को सीमित रखकर ही हम इसकी मूल्यवत्ता को बढ़ा सकते हैं। समष्टिवादियों को राज्य के बाहरी हस्तक्षेप का औचित्य सिद्ध करने के लिए स्वतंत्रता की दुआई नहीं देनी चाहिए। यहाँ पे देखिए इनका मानना है कि अगर हमें स्वतंत्रता का को सही से जानना है तो इसका प्रयोग हमें क्या है सीमित रखकर करना होगा, यानी कि जो भी काम है सीमित करके करना होगा कि ताकि हम इसको और ज़्यादा बढ़िया बना सकें स्वतंत्रता को। जो भी हमें करना है वो हमें सीमित करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि ये मानते हैं कि बाहरी तौर पे किसी का हस्तक्षेप ना हो, है ना। हमें ये नहीं होना चाहिए कि बाहरी तौर पे लोगों से पूछे कि देखिए ये स्वतंत्रता सही है ये नहीं सही है। ये कहते हैं कि व्यक्ति को जो करना है खुद से करना है, किसी से पूछना नहीं चाहिए कि स्वतंत्रता कैसी होनी चाहिए। अगर स्वतंत्रता को जानना है तो सीमित रख के हमें खुद से ही करना चाहिए। यदि स्वतंत्रता को कुछ करने की शक्ति के रूप में देखा जाता है तो व्यक्ति को अनेक विकल्प प्रदान करने या उसकी शक्ति को बढ़ाने के नाम पर बेहिसाब कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये कहते हैं कि अगर स्वतंत्रता जो है उसे कुछ करने, यानी कि स्वतंत्रता जो हमें प्राप्त है अगर हम उससे कुछ कर सकते हैं, कोई व्यक्ति कुछ कर सकता है, तो उसको अनेकों विकल्प देने चाहिए, उसकी शक्ति को बढ़ाना चाहिए। शक्ति बढ़ाने के लिए क्या है कानूनी कदम उठाने चाहिए, यानी कि ऐसे कानून बनाने चाहिए जो कि शक्ति को बढ़ाए, स्वतंत्रता को बढ़ाए। स्वतंत्र होकर व्यक्ति जो भी काम करे वो कैसे करेगा, अपनी शक्ति को बढ़ा के करेगा। शक्ति कैसे बढ़ेगी कानूनी तरीके से। इनका परिणाम यह होगा कि स्वतंत्रता की एक नकली धारणा के बोझ के नीचे व्यक्ति की असली स्वतंत्रता दम तोड़ रही है। आप देखिए यहाँ पे ये कहते हैं कि जो असली स्वतंत्रता की धारणा है उसे हम भूल चुके हैं, लेकिन जो नकली स्वतंत्रता हमें दिख रही है हम उसके पीछे भाग रहे हैं। हमें स्वतंत्रता का असली मतलब जानना चाहिए, होता क्या है, इसके लिए क्या है हमें नकली स्वतंत्रता को हटाना चाहिए। इस वक्त जो भी हमें स्वतंत्रता प्राप्त है वो नकली है, असली नहीं है, ये कहना है हेक का। वास्तव में इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार को नागरिकों के लिए किसी तरह की सहायता या अवसरों की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। उनका तर्क यह है कि सरकार को कोई व्यवस्था स्वतंत्रता के नाम पर नहीं करनी चाहिए और व्यक्ति की असली स्वतंत्रता में कोई बाधा नहीं डालनी चाहिए। हेक ने तर्क दिया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता तीन अन्य तरह की स्वतंत्रता से अलग है। यहाँ पे देखिए ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि राज्य को या सरकार को
नागरिकों के लिए कोई भी सहायता न करे, कुछ भी अवसर न दे। ये कहते हैं कि सिर्फ राज्य का ये काम है कि वो व्यक्ति की जो असली स्वतंत्रता है उसमें बाधा ना डाले, है ना। ये कहते हैं कि स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी काम कर रहे हैं उससे व्यक्ति को कोई फायदा नहीं हो रहा। इससे अच्छा ये है कि व्यक्ति को खुला छोड़ देना चाहिए, उसके ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं देना चाहिए सरकार को। इसलिए यह तीनों स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता की आवश्यक शर्तें नहीं है। यह संभव है कि कोई गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था अनुमति मूलक हो और कोई लोकतंत्र व्यवस्था प्रतिबंध मूलक। अब यहाँ पे देखिए, जो तीनों हमने स्वतंत्रता पढ़ी थी ना पीछे, राजनीतिक हो गई ऐसे करके, ठीक है, ये वाली राजनीतिक, आंतरिक और शक्ति रूपी, ये स्वतंत्रता की यहाँ पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये कहते हैं कि ये आवश्यक शर्त नहीं है कि यही होना चाहिए, इसमें ये है कुछ स्वतंत्रता ऐसी होनी चाहिए जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अकॉर्डिंग हो, उसके अनुमति के दौरान हो, कुछ होने चाहिए कि जो लोकतंत्र व्यवस्था पर प्रतिबंध लगाए। यानी कि यहाँ पे ये कहते हैं कि जो लोकतंत्र व्यवस्था है कुछ स्वतंत्रता की अनुमति दे, कुछ के ऊपर प्रतिबंध लगाए। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही स्वतंत्रता के नाम पर सरकार यहाँ पे हस्तक्षेप करे, ये कहना है फ्रेडरिक हेयर का। अब देखिए, ऐसी हालत में राजनीतिक स्वतंत्रता व्यक्ति की स्वतंत्रता के ना तो आवश्यक है ना ही पर्याप्त है। देखिए, अगर ये कहते हैं कि राज्य मान लीजिए हस्तक्षेप करेगा, कुछ भी करेगा, तो इसमें क्या है कि जो राजनीतिक स्वतंत्रता है वो व्यक्ति को ना तो आवश्यक है ना ही पर्याप्त है। यानी कि देखिए, जो स्वतंत्रता हमें मिली हुई है अगर राज्य उसमें हस्तक्षेप करता है तो व्यक्ति के लिए ना वो पर्याप्त हो पाएगी ना ही उसके लिए आवश्यक हो पाएगी। हेक ने अपनी स्वतंत्रता सिद्धांत की पुष्टि के लिए तर्क दिया है कि आधुनिक युग में ज्ञान का भंडार बहुत बढ़ गया है, परंतु यह सारा ज्ञान किसी एक जगह नहीं, एक जगह केंद्रित नहीं है, बल्कि असंख्य मनुष्य में बिखरा हुआ है। अब देखिए, हेक यहाँ पे ये कहते हैं कि जो स्वतंत्रता का सिद्धांत है वो क्या है, वो बहुत बढ़ चुका है। हर एक व्यक्ति का सोचना है कि स्वतंत्रता ये होती है, स्वतंत्रता वो होती है, तो इसलिए क्या है, स्वतंत्रता की अनेकों परिभाषाएं आज हमारे सामने आ चुकी हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, किसी के पास नहीं है, ये सारी व्यक्तियों के पास है। सारे समाज में क्या है, व्यक्तियों के पास क्या है, इसकी धारणा है, इसका सिद्धांत है, लेकिन अलग अलग रूपों में है। विश्व में ज्ञान की कुल मात्रा जितनी अधिक होगी उसकी तुलना में किसी एक व्यक्ति के ज्ञान का हिस्सा उतना ही छोटा होगा। ये कहते हैं कि मान लीजिए एक ही चीज़ के बारे में विश्व में बहुत सारे व्यक्ति को पता है, उसमें अगर एक व्यक्ति का जो ज्ञान है वो बहुत छोटा होगा, है ना। एक व्यक्ति किसके बारे में क्या सोच रहा है, दूसरा क्या सोच रहा है, तो एक व्यक्ति का ज्ञान जो है वो बहुत छोटा होगा। यहाँ पे किसी दूसरे की इच्छा के आगे झुकने का अर्थ है उसके आधे अधूरे ज्ञान को अपने जीवन का आदर्श बना लेना, जो कि विनाश करे। देखिए, सीधे तौर पे कह रहे हैं किसी दूसरे की इच्छा के आगे झुकना, मतलब राज्य की जो मर्जी है, राज्य का कानून है, अगर हम उसे मानते हैं, हम उसे समझते हैं, हम उसके आगे झुकते हैं, तो इसे क्या है, हमें आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त है। सरकार ने हमें पूरी स्वतंत्रता के बारे में नहीं बताया है, उसमें हस्तक्षेप कर रही है, तो हम इसे आदर्श मानेंगे जो हमारे लिए विनाशकारी होगा। यहाँ पे इन्होंने मोटा मोटा यहाँ पे यही मतलब बताया है। अतः सर्वोत्तम व्यवस्था वह होगी जिसमें मानवीय गतिविधियों के सहज स्वाभाविक रूप से आपस में समायोजित होने दिया जाए। यहाँ पे ये कहते हैं कि सर्वोत्तम व्यवस्था क्या होगी, स्वतंत्रता के बारे में जाना है, सर्वोत्तम व्यवस्था क्या होगी जिसमें क्या है कि जो मानव की जो गतिविधियाँ हैं वो सहज स्वाभाविक रूप से आपस में समायोजित हो। यानी कि जो व्यक्ति के पास स्वतंत्रता के बारे में ज्ञान है उनको आपस में स्वाभाविक रूप से क्या है, इकट्ठा करना चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति सोचते हैं उसी के अकॉर्डिंग राज्यों का चलना चाहिए, राज्य के अकॉर्डिंग व्यक्ति को नहीं चलना चाहिए। सामाजिक व्यवस्था का केंद्रीय निर्देशन उचित नहीं है, क्योंकि वह संगठनकर्ता के सीमित ज्ञान पर आश्रित होता है। राज्य का उपयुक्त कार्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये कहते हैं कि राज्य का काम क्या है, उपयुक्त काम क्या है, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन को बढ़ावा देना। सामाजिक व्यवस्था का केंद्र क्या है,
यहाँ पे राज्य जो है वो सामाजिक व्यवस्था का केंद्र नहीं बन सकती, निर्देशन नहीं कर सकती, ये काम किन का है, व्यक्तियों का है ना। तो राज्य का काम क्या है कि कंपटीशन को बढ़ावा देना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। इसके अलावा उसे बल प्रयोग का सहारा किए बिना कुछ सेवा कार्य संभालने चाहिए। यहाँ पे देखिए ये कहते हैं कि जो राज्य है उसको बल प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसको सेवा कार्य करने चाहिए। अब देखिए जैसे मान लीजिए व्यक्ति को स्वतंत्रता है, अगर मान लीजिए वो चोरी कर लेगा, स्वतंत्रता है उसे, कोई कानून हो ही ना, है ना, वो तो अगली बार फिर से चोरी करेगा। तो अगर उसके ऊपर कोई बल प्रयोग किया जाए, कुछ भी किया जाए, तो वो व्यक्ति फिर से नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये कहना है हेक का कि राज्य को बल प्रयोग का सहारा छोड़ देना चाहिए, सेवा कार्य करने चाहिए, क्योंकि बाजार तंत्र मंत्र क्योंकि सारे आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता, परंतु राज्य को ऐसे नियम कायदे कानून नहीं बनाने चाहिए जिसका उद्देश्य स्वयं बाजार व्यवस्था को वितरण मूल्य न्याय का साधन बना देना है। देखिए ये कहते हैं कि राज्यों को ऐसे कानून नहीं बनाने चाहिए जैसे क्या है कि जो बाजार व्यवस्था है ना, वहाँ पे क्या है कि जो बाजार वितरण है वहाँ पे जो वितरण का मुल्क है वो न्याय का साधन बना देना। यहाँ पे सिंपल से ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि हमें ऐसे कानून राज्यों को नहीं बनाने चाहिए जो व्यक्ति के उलट हों, जिनका उद्देश्य क्या है कि जिनका उद्देश्य कुछ अच्छे से नहीं निकलता, इनके जो व्यक्ति के विरुद्ध हो। देखिए यहाँ पे स्वतंत्रता पर मिल्टन फ्रीडमैन का क्या कहना है, यहाँ पे फ्रीडमैन या फ्राइडमैन के विचार क्या है। देखिए अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन ने यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि स्वतंत्रता केवल पूंजीवादी व्यवस्था की विशेषता है। फ्रीडमैन ने अपनी प्रसिद्ध कृति कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, यानी कि पूंजीवाद और स्वतंत्रता, 1962 में जो आई थी, उसके अंदर लिखा है कि हर्बर्ट स्पेंसर के 80 वर्ष पुराने तरीकों को नए ढंग से सिद्ध करने का प्रयास किया है। अब देखिए यहाँ पे जो मिल्टन फ्रीडमैन है, उन्होंने अपनी पुस्तक में क्या किया है, जो हर्बर्ट स्पेंसर थे उसका जो 80 वर्ष पुराना यानी कि जो तरीका था उसमें नए ढंग से उसी को दोहराने की कोशिश की है। फ्रीडमैन ने लिखा है कि उदारवाद की दृष्टि से व्यक्ति या परिवार की स्वतंत्रता किसी सामाजिक व्यवस्था को जांचने की अंतिम कसौटी होती है। ये कहते हैं कि जो उदारवाद की अगर दृष्टि देखें उससे क्या है, अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई परिवार है, तो उसकी जो स्वतंत्रता है वो कैसे है, उससे कैसे हम पता लगा सकते हैं, उससे हम ये देख सकते हैं कि समाज कैसा होगा। एक व्यक्ति को देख के, एक परिवार को देख के, उसकी सोच को देख के ये कह सकते हैं कि जो समाज कैसा होगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हम समाज को जांच सकते हैं। आप देखिए समाज में इतने सारे लोग रहते हैं, कुछ अच्छे काम करते हैं, कुछ बुरे काम करते हैं। अगर हम किसी बुरे काम को व्यक्ति को पकड़ लें, परिवार को पकड़ लें, है ना, तो हम क्या कहेंगे कि समाज बुरा है। अगर हम ये कोई अच्छा काम करने वालों को देखें तो हम क्या कहेंगे, समाज अच्छा है, समाज में क्या है, मिला जुला सब रूप है। लेकिन यहाँ पे फ्राइडमैन क्या कहते हैं कि अगर हमें समाज की व्यवस्था जाननी है तो हमें एक व्यक्ति या परिवार को जांचना होगा। फ्रीडमैन के विचार से स्वतंत्रता का अर्थ है कि किस व्यक्ति को अपने तरह से कुछ करने या कुछ ना करने के लिए विवश ना करे। ये कहते हैं कि जो राजनीतिक स्वतंत्रता है, यानी कि जो सरकार है, जो राज्य है, वह व्यक्ति को ऐसे ना बाध्य करे, ऐसे प्रेशर ना डाले, प्रभाव ना डाले कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए विवश ना करें। यानी कि ये पूर्ण तरह से समर्थन करते हैं कि जो नकारात्मक स्वतंत्रता है वो व्यक्ति को मिलनी चाहिए। उसने तर्क दिया है कि सरकार को केवल वही मामले अपने हाथ में लेने चाहिए जिन्हें बाजार व्यवस्था या तो बिल्कुल संभाल नहीं सकती या फिर उनका उन पर इतना खर्च आता है कि उनके लिए राजनीतिक व्यवस्था का प्रयोग ही आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये कहते हैं कि जो भी स्वतंत्रता के काम है वो छोड़ देने चाहिए सरकार को, उसको सिर्फ उतना ही काम करना चाहिए जितना बाजार व्यवस्था के लिए उचित हो। अगर मान लीजिए बाजार व्यवस्था अच्छे से नहीं चलती, उनका खर्च ज़्यादा आता है, तो ये सारे काम क्या है सरकार को अपने हाथ में लेने चाहिए बजाय स्वतंत्रता के। यानी कि ये स्वतंत्रता को हटा के राज्य के अंदर ना देके ये व्यक्ति को देना चाहते हैं, वो जो मर्जी करे, सरकार उसमें दखलंदाजी ना करे। देखिए उत्तम सरकार का कार्य बाजार व्यवस्था को सहारा देना और उसके बचे कुचे कामों को कर देना है,
उस पर नियंत्रण रखना नहीं है। यानी कि उत्तम सरकार का कार्य क्या है कि बाजार व्यवस्था को सहारा देना, जो बाजार में होता है, जो काम होता है उसको सहारा देना, है ना, उसके जो भी काम बन जाते हैं उसको करना, ना कि उस पर नियंत्रण करना। नियंत्रण नहीं करना है क्या हो रहा है बाजार में, क्या नहीं हो रहा है, उस पर नियंत्रण नहीं करना, सिर्फ उसके कामों को करना है। मतलब यह है कि सरकार को कल्याण या विनियमन के कार्य से पल्ला झाड़ना चाहिए। देखें यहाँ पे क्या कहते हैं कि सरकार को ना तो कल्याण करना चाहिए ना विनियमन करना चाहिए, इससे पल्ला झाड़ना चाहिए। सरकार को सिर्फ बाजार व्यवस्था के काम पर करना चाहिए, बाजार जैसे चल रहा है उसे वैसे ही चलने देना चाहिए। सरकार को बस सहायता करनी चाहिए कि कैसे बाजार चल रहा है, सरकार को अपनी मर्जी नहीं करनी है इसमें, ये कहना है इनका। किसी वस्तु का नियंत्रण मूल्य, समर्थन मूल्य, मजदूरी, ब्याज और लगान की दरें निर्धारित करना, आयात निर्यात को नियमित करना, सामाजिक सुरक्षा, आवास सहायता की व्यवस्था करना सरकार का काम नहीं होना चाहिए। ये किसका काम होना चाहिए? व्यापार का। अब आप सिंपल सा सोच के चलिए कि बाजार में क्या चीज़ का रेट है ना, समर्थन मूल्य क्या है, मजदूरी ब्याज क्या है, मजदूरी क्या है, ब्याज और लगान क्या है, ये दरें, ये कहते हैं बाजार खुद डिसाइड करे, खुद निर्धारित करे, सरकार से निर्धारित बिल्कुल ना करे। सरकार क्या करे, उसकी सहायता करे कि जो काम वो कर रहा है उसको सहायता करे। अब आप देखिए कि मान लीजिए बाजार में जो ब्याज की दर जो है बहुत ज़्यादा कर दी जाए, 50% कर दी जाए, क्या मुमकिन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। सरकार को क्या है, आगे आके उसे घटाना चाहिए, ये मेरा मानना है यहाँ पे। अगर देखिए ऐसे ही खुला छोड़ देंगे बाजार को तो वह तो अपनी मनमानी करेंगे। सरकार का काम है कि कानून और व्यवस्था कायम करना, संपत्ति अधिकारों की परिभाषा देना, आर्थिक खेल के नियम निर्धारित करना और नियमों की व्याख्या देकर विवादों को समझाना, अनुबंध को लागू करना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, मुद्रा का ढांचा तैयार करना, तकनीकी धारों का प्रतिकार करना और जिन अनाथ लोगों को परिवार या दया धर्म करने वालों का संरक्षण प्राप्त ना हो उन्हें संरक्षण प्रदान करना। यहाँ पर देखिए ये कहते हैं कि इनका काम सिर्फ सीमित होना चाहिए, इतना ही सरकार का काम होना चाहिए, बाकी जो स्वतंत्रता है सरकार को छोड़ देनी चाहिए, वह व्यक्ति के ऊपर ही करना चाहिए। फ्रीडमैन ने मुख्य तर्क यह दिया है कि व्यक्तियों की स्वतंत्रता में स्वैच्छिक सहयोग और विनियम की गतिविधियों में निहित होती है, केवल पूंजीवादी व्यवस्था ही व्यक्तियों की शैक्षिक गतिविधियों में तालमेल स्थापित करके राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए उपयुक्त अवसर और वातावरण प्रदान करती है। यहाँ पर देखिए फ्रीडमैन ने क्या तर्क दिया यहाँ पे कि जो व्यक्तियों की जो स्वतंत्रता है उसमें स्वैच्छिक सहयोग जो है वो देना चाहिए, उसकी गतिविधियाँ नियमित है। यानी कि यहाँ पे क्या है कि जो व्यक्ति खुद चाहता है, खुद की स्वतंत्रता चाहता है, अपनी मर्जी से जो चाहता है, सरकार को उसमें सहयोग करना चाहिए, ना कि खुद स्वतंत्रता की परिभाषा देनी चाहिए। व्यक्ति जो करता है सरकार को उसका समर्थन करना चाहिए, यहाँ पे ये कहना है फ्रीडमैन का। केवल पूंजीवादी व्यवस्था ही व्यक्तियों की शैक्षिक गतिविधियों का तालमेल स्थापित करके राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए उपयुक्त अवसर और वातावरण प्रदान कर सकती है। यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर पूंजीवादी व्यवस्था होगी तभी लोगों का कल्याण हो पाएगा, तभी वातावरण अच्छा हो पाएगा। देखिए अगर पूंजीवादी व्यवस्था अच्छी होती तो कार्ल मार्क्स आगे क्यों आता, है ना, तो मजदूरों का शोषण क्यों होता। लेकिन ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ही, ये व्यवस्था को ही ये सही मानते हैं। जो राज्य अपनी शक्ति का प्रयोग करके सारे अर्थव्यवस्था की केंद्रीय निर्देशन की कोशिश करता है वह व्यक्ति की स्वतंत्रता नष्ट कर देता है। सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक स्वतंत्रता दोनों एक साथ नहीं रह सकती। ये कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था हो और राजनीतिक स्वतंत्रता आपस में नहीं रह सकती। समाज का काम अलग है, राजनीतिक स्वतंत्रता का काम अलग है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती, ये मानना है फ्रीडमैन का। लेकिन ऐसी बात नहीं है, दोनों साथ में रहते हैं। देखिए जिस समाज में हम रहते हैं सरकार उसमें रूल्स बना के चलती है, तभी हम वहाँ पे उसे हम फॉलो करते हैं ना, तभी हम समाज में रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये भी कहते हैं कि जो राज्य है उसी अपनी शक्ति का प्रयोग अर्थव्यवस्था को निर्देशन करना नहीं है, बाजार में क्या हो रहा है, कैसी है बाजार में, क्या चीज़ हो रही है, तो उसका निर्देशन नहीं करना है। ये अगर ये वो करेंगे तो व्यक्ति की स्वतंत्रता नष्ट हो जाएगी। अब देखिए सरकार को मान लीजिए अगर टैक्स नहीं मिलेगा,
है ना। मान लीजिए वो अपनी मर्जी से छोड़ दे कि हाँ जो मन में है वो करो, बाज़ार में चीज़ों के रेट इतने हाई कर दे, है ना, तो व्यक्ति उसे अफोर्ड ही ना कर पाए, उसको कर ही ना पाए, तो सरकार क्या करेगी, है ना। सरकार को टैक्स भी नहीं मिलेगा, लोगों का शोषण होता रहेगा। दिन के 8 घंटे काम करने हैं, वो कहेंगे 15 घंटे काम करो, है ना, तो ऐसा थोड़ी होगा। तो ये सारा कुछ मानना है फ्रीडमैन का, वो सिंपल सा ये कहते हैं कि नकारात्मक स्वतंत्रता को वो बढ़ावा देते हैं, साथ में वो ये कहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था ही ठीक है। अभी हमने देखे आज के लेक्चर में देखा है कि नकारात्मक स्वतंत्रता के जो पक्ष में कौन है, अगले लेक्चर में हम करेंगे सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्ष में कौन है। पहले हमने स्वतंत्रता जाना, फिर नकारात्मकता जाना, फिर सकारात्मक जाना, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए डेली वीडियो पीडीएफ प्रैक्टिस के लिए, इस नंबर पे कॉन्टैक्ट और व्हाट्सएप करिए। यहाँ पे आपको सारा सिलेबस करवाया जाएगा, आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कैसी तैयारी करें, कहाँ से पढ़ें, यहाँ पे आपको वीडियो पीडीएफ सब कुछ दिया जाएगा। आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपका यहाँ से कम्प्लीट हो जाएगा। 80+ क्वेश्चन यहाँ से ग्रांटेड निकलेंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।